हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ओल्ड कुर्ती को कन्वर्ट करने वाले हैं बेबी फ्रॉक में। इसके लिए मैंने कुर्ता लिया है। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे, चार फोल्ड करके रख देंगे। अब लंबाई नापेंगे, 20 इंच हमारी लंबाई है प्लस 1 इंच मार्जिन। शोल्डर लेंगे हम 3 इंच और आर्मोल भी हम लेंगे 3 इंच। चेस्ट हमारी 20 इंच है, उसमें उसका चौथा भाग करेंगे 5.5 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस कर देंगे, 7 इंच पे निशान लगाएंगे, गला कट करेंगे 1.5 इंच का। अब हम कट कर लेंगे, ऊपर वाली लाइन कट करनी है। पीछे वाले भाग को अलग कर देंगे। जो शेप दिया था उसी पे कट कर लेंगे। नीचे से भी 1/2 इंच कट कर देंगे। अब पीछे का भाग रखेंगे, उस पे ये आगे वाला पार्ट रखेंगे। जहाँ हमारा आर्मोल है वहीं पे सीधा सीधा कट कर देंगे इसे। अब हम स्टिचिंग करेंगे, पहले आगे वाले पार्ट पे पट्टी लगाएंगे। ये मैंने 1.5 इंच की पट्टी ली है क्रॉस कट करके। एक्स्ट्रा पट्टी कट कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगा लेंगे सिलाई पे, जहाँ जहाँ हमने सिलाई की है। इसे पलट के फिर सिलाई मार देंगे। फिर एक बार पलट के सिलाई मार देंगे। अब हम आर्मोल पे पट्टी लगाएंगे। आर्मोल की पट्टी के लिए मैंने 2 इंच की पट्टियाँ कट की है। पट्टी हमने लंबी कट की है, जितनी जितनी आर्मोल पे सिलाई मारी है उतनी ऊपर से भी फोल्ड कर देंगे। पीछे हम बांधने वाली फ्रॉक बनाएंगे, इसलिए लंबी पट्टी ली है। आप जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी ले सकते हो। कट लगा लेंगे, फिर फोल्ड करके सिलाई मार देंगे एक और। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी आर्मोल पे पट्टी लगा लेंगे। अब हम बैक के पार्ट पे भी पट्टी लगाएंगे। इसके लिए भी मैंने 2 इंच का कपड़ा कट करके लिया है। ऊपर की साइड पट्टी लगानी है, यहाँ पे हम लास्टिक अटैच करेंगे। पलट के दाब सिलाई मार देंगे।
अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई मार लेंगे। अब इसके अंदर हम लास्टिक डालेंगे, ये 17 इंच की है तो इसके अंदर हम 9 इंच की लास्टिक डालेंगे। पिन से फंसा के यहाँ हम सिलाई मार लेंगे एक, ताकि लास्टिक बाहर ना निकले। यहाँ भी एक सिलाई मार लेंगे। अब हम इस लास्टिक के बीच में सिलाई मारेंगे। लास्टिक को खींच खींच के सिलाई मारनी है, चूनट नहीं आने चाहिए कपड़े में। अब हम आगे का और पीछे का भाग जॉइंट कर लेंगे। आगे को भाग को आर्मोल की तरफ से पकड़ेंगे और जहाँ प्लास्टिक लगाई थी वहाँ से सिलाई मार लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी सिलाई मार लेंगे, आर्मोल और लास्टिक वाला भाग पकड़कर। अब हम नीचे से फोल्डिंग करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।